दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। ये खास विशेष हमें प्रेरणा देने वाला, हमें अच्छा इंसान बनाने वाला, हमारी भीतरी जागृति पैदा करने वाला और हमें स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला और वैश्विक स्तर की बातें बताने वाला, होलिस्टिक हेल्थ की बात बताने वाला, सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास के लिए टिप्स देने वाला कार्यक्रम आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन सत्कार है। कार्यक्रम हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय को बहुत सांगोपांग बनाया जाता है, उसको होलिस्टिक बनाया जाता है, उसको मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, ताकि हर वर्ग के व्यक्ति को उसमें कुछ न कुछ जो अपने निर्माण की सामग्री मिल सके। इसी क्रम के अंदर आज का एक बहुत दार्शनिक सुंदर विषय है, स्वाध्याय का महत्व। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है, क्योंकि अपना खुद का अध्ययन करना है। स्वाध्याय का मतलब स्व प्लस अध्ययन, यानी अपना खुद का अध्ययन करना। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, गूगल के अंदर अगर डाल दिया तो सारी दुनिया के सभी ज्ञान का हम धीरे धीरे पता कर सकते हैं, लेकिन खुद के ज्ञान की बात आती तो खुद का ज्ञान गूगल में नहीं मिलता है। खुद का ज्ञान हमें अपने स्वयं के अंदर ढूंढना पड़ता है। स्वाध्याय की अगर हम संधि विच्छेद करें, स्व प्लस अध्याय यानी स्वयं का अध्ययन करना। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, लेकिन अपने को कुछ भी नहीं जानते। हम दुनिया को अपनी तराजू से तोलते हैं, दुनिया को हम अपने गज से नापते हैं, लेकिन हमारे को हम दूसरे के गज से नापते हैं, दूसरे से एक तराजू पर तोलते हैं, तो उससे हमारा स्वयं का अध्ययन नहीं होता है। स्वयं के अध्ययन के लिए हमको भीतर जाना पड़ेगा, हमारे भीतर में क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं उसका हमें ध्यान करना पड़ेगा। स्वयं का अध्ययन करने से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जे कहा भी गया है, जे एगे जाने ते सभ्य जाने, जे सभ्य जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को जान लिया, और वो संपूर्ण ब्रह्मांड का जो सबसे शक्तिशाली तत्व है वो है आत्म तत्व है। और सारे ब्रह्मांड को जानने के बाद के अंदर व्यक्ति आत्मा को भी जान लेता है। इस तरीके से हमारा स्वयं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय है। अब प्रश्न ये है कि हम स्वयं का अध्ययन कैसे करें। स्वयं का अध्ययन करने के लिए अपने आप से तीन प्रश्न पूछिए। पहला, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो आपको सनातन सत्य मिलेगा कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा कैसी? अनंत ज्ञान वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ और अनंत सुख का धाम, अनंत ब्लिस है, जिस ब्लिस के लिए व्यक्ति जीवन पर्यंत जो है वह परिश्रम करता है और साधना करता है, साधु बनता है, सन्यासी बनता है, उस ब्लिस को प्राप्त करने के लिए। हर व्यक्ति ब्लिस चाहता है। हम जीवन के अंदर सुख चाहते हैं, कोई भी दुख नहीं चाहता। हम प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परंतु हमारी प्रसन्नता और आनंद और हमारा सुख कैसा है वो क्षणिक है। एक सुख के बाद दूसरा आता है और सुख के बाद में दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, और ये साइकिल के लिए चेन चलती रहती है। परंतु हम स्वयं का अध्ययन करें तो हमें एक इटरनल सुख मिलेगा, जिसको ब्लिस बोला जाता है, क्योंकि वो हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी है। हमारे आत्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, सत चित्त और आनंद। सत का मतलब अविनाशी, आत्मा अविनाशी तत्व है, अजर है, अमर है। इसका रंग नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, जलती नहीं है, मरती नहीं है, कटती नहीं है, और ये अनंत ज्ञान वाला है और टंकोत्कीर्ण है, ये अव्यबाध है, ये मन वचन काया से मुक्त शुद्ध आत्मा है। और शुद्ध आत्मा कैसी है? वो शुद्ध आत्मा भगवान महावीर की कही है, कृष्ण की कही है, और दूसरा है जो है वो किसी की शुद्ध आत्मा है, घोड़े की, ऊंट की, बैल की, किसी की शुद्ध आत्मा है, सभी की शुद्ध आत्माएं एक समान है। शुद्ध आत्मा के अंदर किसी कोई फर्क नहीं। 84 लाख जीवायु यानी प्राणियों के भीतर जितनी भी शुद्ध आत्मा है उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क रिलेटिव का है। जो हमारा शरीर है ये मन वचन काया है, हर प्राणी का अलग अलग है, क्योंकि हर प्राणी
जैसे उसने कॉज डाले हैं, कॉज के आधार पर उसका कर्म बीज बनता है, और कर्म बीज के आधार के ऊपर जिसको कि हम कॉज कहते हैं, वो इस जन्म के अंदर हर प्राणी को इफेक्ट मिलता है, कर्म फल मिलता है, कर्म परिणाम मिलता है। यानी जो कॉजेज डाले होते हैं, जब उसका उदय का समय आता है तो इस जीवन के अंदर वो कर्म के रूप में, कर्म फल के रूप में उस प्राणी को मिलता है, और उस कर्म फल को प्राप्त करके जो परिणाम भुगतता है वो कर्म परिणाम कहलाता है। जिसमें आपको उदाहरण के तौर पर भाइयों बहनों, दर्शक श्रोतागण बताना चाहता हूँ कि हमने किसी व्यक्ति का पूर्व जन्म के अंदर पैसा दबा लिया तो ये हमने एक ऐसा कोज डाला, उसे हमारा कर्म बीज बना, उसका इस जीवन के अंदर क्या इफेक्ट आएगा कि वह व्यक्ति, वो हमें मालूम नहीं पड़ेगा पिछले जन्म में हमने क्या किया है, लेकिन वह व्यक्ति एक निमित्त के रूप के सामने आएगा और वह एक पार्टी के रूप में आएगा और वह आपसे ट्रांजैक्शन करेगा, और ट्रांजैक्शन के अंदर जितना पैसा आपने पूर्व जन्म के अंदर उसका दबाया था ब्याज सहित, वह पैसा आपका रोक लेता है, वह दबा लेता है। आप प्रयास करते हो उसको निकालने का, उसको उसके साथ में राह करते हो, द्वेष करते हो, लेकिन वो हमारा कॉज डाला हुआ है, वो हमारा कर्म फल के रूप के अंदर यहां मिला, और उस कर्म फल के आधार पर जैसे जैसे वो दुखी होता है, कोर्ट के अंदर जाता है और किसी तरह के प्रयास करता है कि मेरा किसी तरह से पैसा निकल जाए, ये सारा कर्म परिणाम है। कर्म फल के आधार पर हमको कर्म परिणाम मिलते हैं, और उस कर्म परिणाम से संवेदन होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, स्वाध्याय विषय जो है अत्यंत एक विशाल विषय है, और ये सनातन सत्य का विषय है कि आप सबसे अपने केंद्र के अंदर, हम एक व्रत खींचे तो व्रत के अंदर जो है एक केंद्र होता है और उसकी परिधि होती है, उसके ऊपर हमारा धन है, दौलत है, परिवार है, स्त्री है और पुत्र है, संतान है, सारा उस परिधि के ऊपर आता है। केंद्र के अंदर जो है वो एक सेंटर होता है, उस सेंटर के अंदर एक नंबर जो हम अपना स्वाध्याय की बात कर रहे हैं वो आत्मा समझिए, वो आत्मा हमारी केंद्र में होती है और उसको एक नंबर बोलिए, उसको एक नंबर कहा जाता है। नहीं, आत्मा को नंबर वन पे हमेशा रखिए, और हमारी जो परिधि के ऊपर है जितनी भी चीजें उसको जीरो 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 मानिए। अब एक के पीछे हम सारे जीरो जीरो लगाएंगे तो सबका महत्व तो बढ़ जाता है, धन का, दौलत का, परिवार का, अपने पिता का, पुत्र का, और सब उसका जो है वैल्यू बढ़ जाती है, और उन सब की जीरो जीरो की वैल्यू हम एक के पीछे रखें, एक के पीछे रखें तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं, वो जीरो के समान है। इसका मतलब एक है तो हर जीरो की वैल्यू है, हमारी हर सांसारिक चीज जो हमसे जुड़ी हुई है उसकी वैल्यू है, और एक नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब एक व्यक्ति का भीतर से आत्मा निकल जाती है तो एक डेड बॉडी रहती है, और डेड बॉडी के बाद में उसको जला दिया जाता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब हमें समझना है, स्वाध्याय का अर्थ यह है कि हमें अपने आप की वैल्यू करनी है, और वो इतनी बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे हमारा अस्तित्व छुपा हुआ है। तो हमें जो भी हम प्रवृत्ति करें, मन वचन काया की प्रवृत्ति करें, वो सारी प्रवृत्ति के अंदर हमें एक नंबर को सेंटर में रखना चाहिए कि हमारी आत्मा का हित है या नहीं है, उस हित के अनुरूप जो है हमें कार्य करना चाहिए, और जीवन भर हमारे मन वचन काया जो है उनकी प्रवृत्तियां चलती रहती है, क्योंकि ये हम पूर्व जन्म के अंदर अर्जित करके आए हैं, और इन सबको, मन वचन काया को और शरीर को और हमारी पांच इंद्रियां, इन सब का संचालन करने वाली कुदरत है। कुदरत जो है कुल छह समवाय का, छह जो तत्वों का एक समवाय है। कौन कौन से छह तत्व है? चेतन, मैं चेतन हूं, और ये शरीर है मेरा जड़ है, ये सारा संसार जो जड़ पदार्थ से बना हुआ है, और चेतन तत्व का मतलब जीवित प्राणी, और तीसरा तत्व होता है गति सहायक, मोशन। साइंस की भाषा में बात करें मोशन, मैं हाथ हिलाना चाहता हूँ, ट्रेन चलनी चाहती है, हेलीकॉप्टर चलना चाहता है, तो पूरी इस कुदरत के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर, पूरी इस नेचर के अंदर जो है वो जो है हमारा
मोशन तत्व मौजूद है, गति सहायक, वो मोशन करवाता है। ट्रेन चल रही है, व्यक्ति चल रहा है, कोई भी चीज चल रही है, वो चलते चलते रुकना चाहती है तो रुकना चाहने के ऊपर रेस्ट तत्व जो है पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरी सृष्टि के अंदर, पूरे जिसको कि हम नेचर कहते हैं, कुदरत कहते हैं, उसके अंदर हर क्षण व्याप्त होता है। और जो ही आपने रेस्ट की कामना की तो ही वह तत्व आपको जो है वो गति को रोक करके आपको रेस्ट की अवस्था में आ जाता है। और उसके बाद के अंदर होता है टाइम, काल, यानी एक सेकंड हुआ, दो हुआ, पांच बजे, छह बजे, और उसके बाद के अंदर दिन होते हैं, रात होती है, और वर्ष होते हैं, पक्ष होते हैं, और साल होते हैं, शताब्दी होती है। ये सारा हमें जो ज्ञान कराने वाला है वह है काल, टाइम, उसके बाद में स्पेस, आकाश। आज मैं बैठा हूं तो मुझे ये जगह कौन दे रहा है? वो मुझे आकाश दे रहा है। ये सारी सृष्टि के अंदर जितने जितने भी प्राणी हैं, वो जितने जीवित प्राणी हैं, जो वो सारे जीवित प्राणियों को अवकाश देने वाला, अवगान देने वाला जो है वो है स्पेस। तो हमारा इस तरीके से कुदरत क्या बनी? कुदरत में चेतन, दूसरा जड़, तीसरा गति सहायक जिसको मोशन कहते हैं, स्थिति सहायक जिसको रेस्ट कहा जाता है, और काल जिसको टाइम कहते हैं, और स्पेस जिसको कि आकाश कहते हैं। छह तत्वों से ये सारी सृष्टि बनी है, कुदरत बनी है, और कुदरत अपने नेचुरल लॉ के ऊपर चलती है, जिसको कि कुदरत का कानून कहा जाता है। कुदरत की रचना की जाती है, जो मन वचन काया जो हम पूर्व के अंदर अर्जित करके लाए हैं, वही उसके अनुरूप ही ये सारी कुदरत है, सृष्टि जो है ये संजोग मिलाती है, और सारा संजोग मिलकर के हमने जैसे जैसे कॉज डाले हैं वैसा हमको कर्म फल मिलता है, और उस कर्म फल के अनुरूप जो हम संवेदन करते हैं वो कर्म परिणाम कर वो कहलाता है। इस सृष्टि के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है, 33 करोड़ देवी देवता भी आ जावे तो किसी भी व्यक्ति का भला नहीं कर सकते, और वो किसी व्यक्ति का बुरा नहीं कर सकते। बुरा करने वाले कर्म हैं, जो कि वो पूर्व में अर्जन करके आया, जैसे कॉजेज डाल के आया है, उसका इफेक्ट इस जन्म के अंदर मिलेगा कर्म फल के रूप में और कर्म परिणाम के रूप में। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तो हमें ये एक जो है सनातन सत्य को ढूंढना चाहिए। व्हाट इज द रियलिटी, हु एम आई? वो रियलिटी है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ जो कि चेतनामय हूँ। और रिलेटिव रूप से देखें कि हमारी सृष्टि का जो चलाने वाला जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, वो व्यवस्थित शक्ति जो छह जो एलिमेंट्स है उनकी व्यवस्थित शक्ति को हम सृष्टि कहते हैं, उसको कुदरत कहते हैं, कुदरत की रचना है। और हमको सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र रूप से हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। तो हमारी इस पूरे जीवन भर, हमारी नहीं, हर प्राणी की पूरे जीवन भर जो कुछ भी गतिविधियां चलती है वह उसको चलाने वाली ये कुदरत है, ये सृष्टि है, और ये जो है वो सारा जो है सारा कॉस्मोस है। इसीलिए कहा जाता है जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति। भाई और बहनों, दर्शकगण, हमें अपने स्वाध्याय के लिए भीतर जाना चाहिए, भीतर गोते लगाना चाहिए, और भीतर हमारी आत्मा का जो साम्राज्य है उसका अध्ययन करना चाहिए कि आत्मा का साम्राज्य कितना आनंद का साम्राज्य है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है, ये अरूपी है, लेकिन उसका लक्षण है आनंद। जो सच्चिदानंद की हम बात कर रहे थे, सत का मतलब होता अविनाशी, और चित का मतलब होता ज्ञान दर्शन, और जो सच्चिदानंद और उसका लक्षण आनंद है, उसको हम पाना चाहते हैं, उसके लक्षण को, उसकी प्रॉपर्टी को, जो ऑलरेडी हमारी आत्मा के अंदर एम्बेडेड है, हमारी आत्मा के अंदर मौजूद है, उसको पाने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए, हमें भीतर जाना चाहिए, जो हमें मेडिटेशन करना चाहिए। जितना जितना भीतर जाकर के हम गोते लगाते रहेंगे उस साम्राज्य का पता चलेगा, और हमें मालूम पड़ेगा कि अनंत ज्ञान वाला है सारा की सृष्टि के अंदर जितना भी ज्ञान है वो हमारी एक आत्मा के अंदर जो है वो उसके आत्मा के अंदर समाया हुआ है, क्योंकि वो आत्म तत्व का गुण है। और अनंत शक्ति इस विश्व के अंदर आत्मा को देख करके से बढ़कर के कोई बड़ी शक्ति नहीं है। इसको विश्व को जो है हम देखें कि सारा जैसे कि अणु बम है, एटम बम है, वो मनुष्य के दिमाग का खेल है जिसने सारा बनाया है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब हम ये देखें कि इस एपिसोड का जो है हमारे समाज से क्या संपर्क है, हमारे समाज को इस एपिसोड से क्या मिलेगा, व्यक्ति को क्या मिलेगा, इसकी रिलीवेंसी क्या है, और इसकी सोशल यूटिलिटी क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो हम कहना चाहेंगे कि व्यक्ति बाहर घूमता रहता है, बाहर सुख ढूंढता है,
व्यक्ति पांच इंद्रियों के स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि स्पर्श के अंदर सुख देखता है और अच्छे चित्रों को देखने के अंदर सुख देखता है, अच्छे अच्छे शब्दों को सुनने के अंदर सुख महसूस करता है और अच्छे अच्छे भोजन करने के अंदर वो सुख महसूस करता है। इस तरह से पांच इंद्रियों के हमारे जो जो विषय है उन विषयों के अंदर सुख को वो ढूंढता है, उसके अंदर पूरा जीवन लगा देता है कि भवन में सुख है, धन इकट्ठा करने में सुख है, भोजन खाने में सुख है, अच्छा स्पर्श करने में सुख है, अच्छा कपड़ा पहनने में सुख है, उसमें ढूंढता रहता है और उसी को सुख मानता है। ये हमारी रॉन्ग बिलीफ है, क्योंकि सुख बाहर है ही नहीं है। हमारा जो इटर्नल सुख है, अक्षय सुख है, जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, वो भीतर है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस जो हमारे एपिसोड का कितनी बड़ी प्रासंगिकता है कि सेंटर में एक को रखो, एक है तो आप है, नहीं तो नहीं है। यानी आप शुद्ध परमात्मा भगवान है, आप ही परमात्मा है, आप ही ईश्वर है, आप ही राम है, आप ही कृष्ण है, आप ही महावीर हैं, और आप उसके अनुरूप बन सकते हैं जैसे वो बने हैं। क्यों? कि आपके भीतर जो कुछ भी कषाय है, जो भी अशुद्धि है, जो भी बुराइयां, उसको धीरे जितने दोष है, जितने पाप है, उन दोषों को सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान से शुद्धिकरण करते रहेंगे। आप सामायिक अर्थ होता है उन दोषों को देखना, आलोचना मतलब आपके भीतर जो दोष भरे पड़े हैं, जिसके कारण ये आत्मा इस कारावास के अंदर बंधी हुई है। हर प्राणी की आत्मा, एक व्यक्ति की नहीं, हर प्राणी की आत्मा उस शरीर रूपी कारावास में है। उस कारावास के लिए देखना चाहिए क्यों कारावास के अंदर है, उसकी सामायिक करो, यानी अपने भीतर दोषों को देखो और आलोचना मतलब दोषों को स्वीकार करो, और उसके बाद में प्रतिक्रमण, सारे जो दोष आप भवभवांतर में करते आए हैं, उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना करो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी आत्माओं से क्षमा याच करके अपनी आत्मा को धोओ, दोषों को धोओ, सफाई करो। जैसे हम डिटर्जेंट पाउडर लगा करके कपड़ों की सफाई करते हैं, उसी तरह उसकी सफाई करो, और सफाई उसके बाद के अंदर प्रत्याख्यान कि फिर से हम दोष अर्जित नहीं करें, ऐसा संकल्प करो, ईश्वर से शक्ति मानो। कौन सा ईश्वर? भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान। कोई भी आप बात करें, एक नंबर आपके भीतर जो शुद्ध आत्मा भगवान है, और वही सब कुछ है। उससे शक्ति मानिए, उससे रुझान कीजिए, उससे बातचीत कीजिए, उसकी तरफ मुख करिए, उसकी सन्निधि में रहिए, यानी स्वाध्याय करते रहिए। आप भीतर जाकर के दिन के अंदर आप बाहर घूमते हैं तो कम से कम आधा घंटा भर आत्मा की उपासना में रहें, स्वाध्याय करें, स्वयं का अध्ययन करें, और अध्ययन करके इसके जो गुण हैं, इसका जो आनंद है, इसकी जो प्रॉपर्टी, इसको प्राप्त करें, और ये भी रियलिटी प्राप्त करें कि मेरा जो कुछ ये कारावास है, जो कुछ भी ये शरीर रूपी कारावास है, उसको कौन चलाता है? उसको चलाने वाला जो है वह कुदरत है, वह सृष्टि है, ये जो कि छह समवाय का है, और हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और ये सृष्टि संयोग बनाती है जैसे जैसे हमने कर्म अर्जित किए हैं, और ये जो कर्म बीज पड़ता है उसको हम भाव कहते हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी। हम अर्जित करके ले आए हैं, उसके अनुरूप तो हमारा जीवन चलेगा ही, और ये सारी कुदरत है, उसके अनुसार जो है संयोग बनाती रहेगी, मृत्यु तक संयोग बनाएगी। मृत्यु भी एक संयोग है, निश्चित समय पर आयुष्य काल जो हमारा आयुष्य समाप्त होता है, वहां पर ये जो कुदरत है, ये जो सृष्टि है, ये जो जगत है, वो हमारे संयोग बना करके हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हम आगे जन्म के लिए क्या करें, वो उसका मुख्य पॉइंट जो स्वाध्याय का है वो है भाव। यानी आप जो चिंतन करते हैं, सोच रखते हैं, वो किसी को दोषित देखते हैं दूसरे को, आपको कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब आपका सारा जीवन भर जो कुदरत चलाती है, और उसी तरीके से हर प्राणी कुदरत चलाती है, और वह भी सामने वाला जिसको हम दोष देख रहे हैं, चाहे हमारे परिवार के सदस्य है वह या कोई भी व्यक्ति हो जो हमारे संपर्क में आता है, उसके दोष देखते हैं, उसको दोषित देखते हैं, तो हमें सोचना चाहिए जैसे मेरे मन वचन काया और मेरी पांच इंद्रियों कुदरत चलाती है, उसके भी मन वचन काया और पांच इंद्रियों कुदरत चलाई, वो से बंधा हुआ है, वह भी स्वतंत्र नहीं, मैं भी स्वतंत्र नहीं, तो हमारे को क्या अधिकार है दोषित देखने का? दोषित देखते हमारे भाव बिगड़ जाते हैं, और भाव बिगड़ते ही जो है हमारा कौज हो जाता है, यानी हमारा कर्म बीज पड़ जाता है। उससे ये स्वाध्याय का सबसे बड़ा लाभ कहिए और सबसे बड़ा मुख्य कार्य है कि हमारे भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, भाव शुद्धि रखो, और भाव शुद्धि ही अगले जीवन का निर्माण है। किसी को दोषित मत देखो, क्योंकि वो बंधा हुआ है।
वह तो अपने पूर्व कर्मों से बंधा हुआ है और इस सृष्टि के अंदर जो कार्य कर रहा है उसके संयोग जो है वो ये सृष्टि, ये कुदरत मिलाती है, जिसको कुदरत का कानून कहा जाता है, कुदरत की रचना कहा जाता है। तो आप उसके अंदर दखो दखल, उसके अंदर डिस्टर्बेंस क्यों करते हो? इसीलिए किसी कार्यकलाप में किसी को दोषित न माने तो हमारे नए कॉजेज नहीं हो डाले जाएंगे, और जब नए कॉजेज नहीं होंगे तो भीतर हमने इन कॉजेज की जब सफाई प्रतिक्रमण करके प्रत्याख्यान करके और सामायिक की आलोचना से इसका शुद्धिकरण करते रहेंगे, शुद्धि शुद्धिकरण करते करते जब हमारा भाव नहीं बिगड़ेगा तो नए कॉज नए बीज नहीं होंगे तो आत्मा एकदम प्योर हो जाएगी, क्योंकि आत्मा भी बंधी हुई है कारमन शरीर से, लिंग शरीर से, और इसके अंदर 8 तरह के कर्म है उससे बंधी हुई है, फेविकॉल की तरह बंधी हुई है। तो उसको हम ज्यों ज्यों हमें स्वाध्याय करते जाएंगे, ज्यों ज्यों हम आत्मा की तरफ मुख करेंगे, उसका सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, हमारे स्वयं का निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे और निज स्वरूप में रहेंगे कि मैं शुद्ध हर वक्त चिंतन एक नंबर में आरक्षण रहेंगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और अनंत ज्ञान वाला हूं, अनंत दर्शन वाला हूं। हर क्षण ये ध्यान रखना चाहिए, शुद्ध आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, शुद्ध आत्मा के गुण है, हर क्षण रखना चाहिए। और इस सृष्टि के अंदर हम कोई भी जीवन भर जो कार्य करें वो हमारे हाथ में, हमारी स्वतंत्र सत्ता क्या है कि हमें भाव नहीं बिगाड़ना है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की आत्मा हो, और जो आत्मा होती है उसी का अस्तित्व और आत्मा के चले जाने के बाद में जीरो हो जाता है। कार्यक्रम को आप ही लोग आगे बढ़ा रहे हो, आप देख रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो कि लोग इस कार्यक्रम को बहुत पसंद करते हैं, और यह हमारा सौभाग्य, हमारा औभाग्य है, और हम भी उससे आप देखते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम और नए नए एपिसोड लेकर के आते हैं। और हमारा जो लक्ष्य, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, हर व्यक्ति पॉजिटिव थॉट वाला बने, उसकी नेगेटिविटी खत्म हो, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, सत्तायु होकर के आप खूब समाज की सेवा करें, अपने परिवार की सेवा करें और जीवन के अंदर आनंदित रहें।